सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सबके। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आई होप आप लोगों की पढ़ाई एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। सो वेलकम बैक टू दिस चैप्टर कॉल्ड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। कल हम इस चैप्टर को शुरू कर चुके थे और हमने आधे टॉपिक्स जो है इस चैप्टर के कवर कर लिए थे, स्टार्टिंग फ्रॉम 18.1 टॉपिक टू 18.3 टॉपिक। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, जहां पर हम ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को समझेंगे, डबल सर्कुलेशन की आखिर जो दो प्रकार की सर्कुलेशन हो रही थी पल्मोनरी और सिस्टेमिक वो कैसे होती हैं ह्यूमंस के अंदर, कार्डियक साइकिल यानी एक बार जो हार्ट बीट होती है उसकी ड्यूरेशन कितनी है और कौन कौन से इवेंट्स उसके अंदर होते हैं, एंड मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक ECG। इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन होगी। प्लीज मेक श्योर कि ध्यान जो है इस लेक्चर के अंदर बना रहे। मैं गारंटी देता हूं कि इस लेक्चर के कंप्लीट होने तक आपको इन सभी टॉपिक से प्यार हो जाएगा और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आप इन टॉपिक से सॉल्व ना कर पाए। हर क्वेश्चन की धज्जी उड़ा दोगे, ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे और हर टॉपिक बहुत प्यार से समझ में आएगा विद श्योरिटी। आई एम सेइंग यू दिस विद कन्विक्शन। बहुत बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आज के लेक्चर में और ये चैप्टर आपका पूरे तरीके से आज अच्छे तरीके से डन हो जाएगा। ऑलराइट, शिवांशु यार गुड इवनिंग, स्निग्धा गुड इवनिंग, अभिषेक, हांसा, श्वेता गुड इवनिंग, बीपी कॉर्नर सब एकदम मस्त तरीके से होगा, डोंट वरी। अभिषेक गुड इवनिंग, प्रियांक गुड इवनिंग। प्रियांक मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा, उस पर कुछ कॉपीराइट इशू आ गया था बीच में, आई डोंट नो द रीजन अभी तक कि कॉपीराइट क्यों आया, बट आई अपलोड इट अगेन। एटलीस्ट मैं उसे अनलिस्टेड फॉर्मेट में करके टेलीग्राम पर लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ऑलराइट, चलो यार, ऑलराइट तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। बट सबसे पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमारे जो पेड कोर्सेज हैं उनके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है जो कि अगले 3 दिन तक अवेलेबल है। आपको एक कोड लगाना है बर्थडे 20 और आपको 20% ऑफ मिल जाएगा हमारे सारे कोर्सेज के ऊपर। तो बर्थडे 20 में सारे के सारे लेटर्स कैपिटल लेटर्स हैं और कोई भी इनके बीच में गैप नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप लोग 100 डेज क्रैश कोर्स को प्लीज ज्वाइन कर लें, इससे आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा और आपकी बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स बहुत अच्छे तरीके से डन हो जाएगी। लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जाके एटलीस्ट चेकआउट जरूर कर लेना। ऑलराइट, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, अब करते हैं पढ़ाई लिखाई की बात। पढ़ाई लिखाई की बात यह है कि ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम हमें समझना है। ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम का जो कोर है, जो सेंटर है, जो सबसे मेन ऑर्गन है वो कौन है, हार्ट, जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है। यानी हार्ट एक स्ट्रक्चर है जो धड़कता है। जब हार्ट धड़केगा ना, देखो जब हार्ट धड़कता है तो वो छोटा होता है। अगर कोई चीज छोटी हो रही है तो बाहर की साइड प्रेशर मार के चीजों को निकाल देगी जो भी उसके अंदर स्टोर्ड होंगी। यानी हार्ट के अंदर अगर ब्लड भरा हुआ होता है तो जब हार्ट क्वेंच करेगा तो ब्लड निकलेगा और वो ब्लड इतनी तेजी से निकलता है कि सारे ऑर्गन्स तक पहुंच जाए। तो हार्ट आपका पंपिंग ऑर्गन है। यानी हार्ट किसका काम करता है, मोटर का काम करता है। तो आपको क्या करना है, मोटर से पानी टंकी के अंदर भेजना है ऊपर। तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपको मोटर चाहिए जो आप ऑन करोगे तभी पानी ऊपर पहुंच पाएगा। दूसरा आपको क्या चाहिए, पाइप चाहिए जिसके थ्रू आपका मोटर और टंकी कनेक्टेड है। और तीसरा आपको क्या चाहिए, तीसरा आपको चाहिए वाटर इटसेल्फ। पानी नहीं होगा तो भेजोगे किस चीज को। अब देखो ये जो मोटर है जो आपका एनर्जी लगा करके पानी ऊपर चढ़ाती है टंकी में, ये मोटर है हमारा हार्ट, ये करता है ब्लड को पंप। पाइप जो है ये है हमारी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, यानी आप इन्हें जो है ब्लड वेसल्स भी कह सकते हो। और तीसरा पानी जिसको आपको ऊपर पहुंचाना है, तो यहां पे आप किस चीज को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पर ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है। तो आप यहां पर देखो कि जिस प्रकार से आप मोटर से पानी टंकी में पहुंचाते हो वैसे ही आपको हार्ट से ब्लड पहुंचाना है अब ऑर्गन्स तक। तो यहां पर हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसे ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी बोला, क्योंकि इसमें ब्लड ही आपका वस्कुलैरिटी प्रोवाइड करता है, हर ऑर्गन तक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसमें एक मोटर है जिसे हमने हार्ट कहा, एक नेटवर्क है आपके ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स का जिसे हमने पाइप कहा, और आपका ब्लड है सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो कि पानी की तरह बिहेव करेगा। ये तीन आपके यहां पर जो है अच्छे तरीके से पार्ट्स मौजूद हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखो कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अपने हाथों से आपको हार्ट का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा
और सारी की सारी चीजें इस स्ट्रक्चर के अंदर ही क्लियर हो जाएंगी। बहुत गौर से सुनना है दोस्त, बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार गड्डी छूट गई तो दोबारा हाथ में नहीं आएगी, तो गाड़ी छूटने नहीं देंगे। हार्ट जो है मेरे दोस्त, ये आपका मीजोडर्मली डेराइव्ड स्ट्रक्चर है, यानी मीजोडर्म से बनता है। इस प्रकार का आपका हार्ट जो है होता है, ये आपके हार्ट की आउटलाइन है। आपके हार्ट में आपको पता है चार चैंबर्स होते हैं। ऊपर वाले जो दो चैंबर हैं वो छोटे छोटे चैंबर्स होते हैं, इन्हें क्या कहा गया, एट्रिया कहा गया। ये छोटे छोटे चैंबर हैं, इन्हें एट्रिया कहा गया, ओके। और इन एट्रिया के बीच में वॉल्स होती हैं, राइट। तो ये जो वॉल है, ये पतली सी वॉल है इस एट्रिया के बीच में, ये आपकी क्या हो गई, इंटर एट्रियल सेप्टम। यानी ये आपका एट्रिया है, इसे आप क्या बोल दोगे, इसे आप बोल दोगे राइट एट्रिया, इसे आप बोल दोगे राइट एट्रिया। और ये आपका लेफ्ट साइड में, इसे आप क्या बोल दोगे, लेफ्ट एट्रिया। राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के बीच में जो प्रेजेंट है दीवार, दो एट्रिया के बीच में प्रेजेंट है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम या इंटर एट्रियल वॉल, जो कंपैरेटिवली पतली है। अब नीचे के जो दो बड़े बड़े चैंबर्स होते हैं, इन्हें आप क्या बोलते हो, वेंट्रिकल बोलते हो, इन्हें आप वेंट्रिकल बोलते हो। तो यहां पे जो बड़े बड़े वेंट्रिकल है, इनकी वॉल भी काफी ज्यादा बड़ी बड़ी आपकी होती है, और काफी मोटी इनमें थिक वॉल यहां पर देखने को मिलती है। तो दो वेंट्रिकल के बीच की वॉल भी मोटी है, और इसकी ओवरऑल जो इनकी सराउंडिंग वॉल है, ये भी काफी मोटी है। ऑलराइट, तो इसे हमने क्या बोला, इसे हमने बोला राइट वेंट्रिकल, इसे हमने बोला राइट वेंट्रिकल, इसे हमने बोला लेफ्ट वेंट्रिकल, इसे हमने बोला लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल इसे हमने बोल दिया। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है, इसे क्या बोलेंगे, दो वेंट्रिकल्स के बीच में, तो इसे क्या बोला, इंटर वेंट्रिकुलर, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम या इंटर वेंट्रिकुलर वॉल। इनके बीच में, अब ये एट्रिया और वेंट्रिकल है, इनके बीच में ही वॉल प्रेजेंट होगी, राइट, इनके बीच में ही वॉल प्रेजेंट है। ये जो मेरे दोस्त वॉल है, ये किसके बीच में है, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल के बीच में, यानी राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, तो इसे क्या बोलोगे, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है ना, तो इसे बोलोगे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल या एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑलराइट, ये जो है आपका हार्ट का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं इन पॉइंट्स तक कि हमने क्या क्या कवर किया। हार्ट आपका मीजोडर्मली डेराइव्ड होता है, मीजोडर्म से बनता है, थोरेसिक कैविटी में ये पाया जाता है, लंग्स के बीच में फंसा हुआ होता है। मैंने आपको बताया था लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा होता है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट लंग के साइड हार्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा है। ये जो आपकी ये वाली साइड है ना, ये आपकी लेफ्ट साइड में अड़ी हुई होती है, तो ये जो है बेस, जिसे आप एपेक्स बोलते हो, ये थोड़ा लेफ्ट साइड की साइड ज्यादा ग्रो हो रखा होता है, तो लेफ्ट लंग आपका कंपैरेटिवली छोटा मिलेगा। तो ये बिटवीन टू लंग्स प्रेजेंट रहता है हार्ट, और हार्ट जो है लेफ्ट साइड में थोड़ा ज्यादा टिल्टेड रहता है, देयरफॉर लेफ्ट लंग वॉज स्मॉलर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द राइट लंग। राइट लंग आपका पूरा था, जबकि लेफ्ट लंग की थोड़ी सी जगह कौन घेर रहा था, हार्ट। अब ये क्लेंच फिस्ट जितना इसका साइज होता है, यानी बंद मुट्ठी जितना साइज होता है आपके हार्ट का, ऑलराइट। इस पे डबल वॉल लेयर होती है, जिसे आप कहते हो पेरिकार्डियम, पेरी मतलब पेरिफेरी यानी चारों तरफ, कार्डियक मतलब हार्ट यानी हार्ट के चारों तरफ, ठीक है। तो हार्ट के चारों तरफ दो लेयर बना देते हैं। आपकी पहली लेयर है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी, जो कि आपने रेड कलर से बना रखी है। दूसरी लेयर आपकी मैं ऐसे बना देता हूं। तो ये दोनों जो वॉल्स हैं, ये क्या है आपकी, पेरिकार्डियम, यह आपकी पेरिकार्डियम। इन दोनों पेरिकार्डियम वॉल्स के बीच में क्या पाया जाता है, आपका फ्लूइड पाया जाता है, जो कि हार्ट को डैमेज होने से बचाता है। तो इसको क्या बोले हमने, पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये अभी तक का स्ट्रक्चर आपका हो चुका है।
ऑल राइट। तो पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है इन दोनों लेयर्स के बीच में भरा रहेगा। हार्ट जो है इसमें चार चैम्बर होते हैं, ऊपर जो दो चैम्बर होंगे वो छोटे छोटे होंगे जिन्हें आपने एट्रिया या ऑरिकल बोला, नीचे के जो दो चैम्बर हैं बड़े बड़े होंगे जिनको आपने वेंट्रिकल बोला। ठीक है, अब दोनों ऑरिकल के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम या इंटर एट्रियल वॉल्व आती है जो कि थोड़ी पतली होती है, क्योंकि एट्रिया ही छोटे छोटे हैं तो थिन वॉल से भी काम चल जाएगा। लेकिन एक थिक, एक बहुत मोटी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम आपकी दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में पाई जाती है जो कि हमने यहां पर बना दी है। तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम आपकी कैसी होगी? थिक होगी, जबकि इंटर एट्रियल सेप्टम आपकी कैसी होगी? थिन होगी। इंटर एट्रियल सेप्टम आपकी थिन होगी, ऑलराइट, ये आपकी थिन हो जाएगी। उसके बाद क्या आता है? आपका थिक फाइब्रस एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम आता है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। तो ये कैसा है आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर? ये आपका थिक और फाइब्रस होता है। तो इसी डायग्राम में अभी तक हमने सारी चीजें नोट कर ली, कुछ और हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, ईच ऑफ दिस सेप्टा आर प्रोवाइडेड विद एन ओपनिंग थ्रू विच टू चैम्बर्स ऑफ द सेम साइड आर कनेक्टेड। यानी लेफ्ट साइड के जो दोनों चैम्बर हैं ऑरिकल और वेंट्रिकल, इनके बीच में कुछ वॉल्व होती हैं, और राइट साइड की भी दोनों चैम्बर्स के बीच में वॉल्व होती हैं। जैसे राइट साइड का जो एट्रियम है और राइट साइड का जो वेंट्रिकल है, इसमें तीन फ्लैप लगे रहते हैं। तीन का मतलब होता है ट्राई, तो इसे ट्राइकस्पिड वॉल कहा जाता है। राइट हैंड साइड में ट्राइकस्पिड वॉल कहा जाता है, तो राइट हैंड साइड में तीन कस्प लगा दो, एक दो तीन, तीन कस्प लगा दिए, क्या बोले हम इसे? ट्राइकस्पिड वॉल बोले, ट्राइकस्पिड वॉल बोले। दूसरी साइड में आपके सिर्फ दो कस्प पाए जाते हैं लेफ्ट साइड में, इसे हमने क्या बोल दिया दोस्त? इसे हमने कह दिया बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, या आपका मिट्रल वॉल, या आपका मिट्रल वॉल, बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल बोला, क्योंकि सिर्फ दो कस्प यहां पर प्रेजेंट है। तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपका क्या प्रेजेंट है? आपका बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट है। अब देखो क्या हुआ, बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल प्रेजेंट है। अब क्या हुआ, ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल किस जगह ओपन होंगे? इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कहां ओपन हो रहे हैं? पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा। कैसे भैया? राइट वेंट्रिकल, राइट साइड में हमेशा क्या होता है जिंदगी में, हमेशा याद रखना, लेफ्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी प्योर ब्लड आता है। राइट साइड में क्या आ रहा है? इम्प्योर ब्लड आ रहा है। अगर ये ब्लड इम्प्योर है तो कहां जा रहा होगा? प्योर होने लंग्स के पास जा रहा होगा। लंग्स के पास ले जाने वाली आपकी जो आर्टरी है, इसे क्या कहा जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। ये दुनिया की इकलौती ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वरना सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। यहां पर आपकी इस प्रकार की आधे चांद जैसी शेप की वॉल्स लगी रहती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? सेमी लूनर वॉल्स, जिन्हें कहा जाता है सेमी लूनर वॉल्स, सेमी लूनर वॉल्स। और यहां पर आपका राइट हैंड साइड में क्या है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो कहां जा रहा होगा भैया? ऑर्गन्स में जा रहा होगा ना। ऑर्गन्स में कौन लेके जाएगी? सबसे मेन आर्टरी लेके जाएगी, जिसको हम कहते हैं एरोटा। एरोटा लेकर जाएगी। यहां पर भी आपकी क्या है? सेमी लूनर वॉल्स मौजूद है। यहां पर भी क्या है आपकी? सेमी लूनर वॉल्स मौजूद है। ठीक है, सेमी लूनर वॉल्स मौजूद है। तो सेमी लूनर वॉल यहां पर आ गई। सेमी मतलब आधा, लूनर मतलब चांद। जैसे चंद्र ग्रहण जब होता है तो उसे लूनर एक्लिप्स बोलते हैं ना, लूनर का मतलब ही चांद होता है। तो आधे चांद जैसी ऐसी शेप की होती है, पूरा चांद ऐसा होता है, ये आधे चांद जैसी मैंने दो टुकड़े बनाए थे, आधे चांद जैसे दो टुकड़े होंगे, इन्हें कहा जाता है सेमी लूनर वॉल्स। ऑलराइट, अब देखो, द वॉल्व इन हार्ट अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। ये वॉल्व क्या कहती है? एक बार अगर ब्लड पास हो गया, वापस नहीं आने दूंगी, घूम के आना पड़ेगा दोबारा से, इसी रास्ते से वापस नहीं आने दूंगी। तो इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो, ठीक है, दैट इज फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स।
एट्रिया से वेंट्रिकल में कौन लेके जा रहा है? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व। एंड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा कौन लेके जा रहा है? सेमीलूनर वॉल्व। एक ही साइड में होगा पैसेज, वापस नहीं आ पाएंगी। दे प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, बैकवर्ड फ्लो को ये होने नहीं देते, राइट? ऑलराइट, बैकवर्ड फ्लो को ये होने नहीं देते। अब देखो, पूरा जो हार्ट है कार्डियक मसल से बनेगा, कार्डियक का मतलब ही होता है हार्ट, तो कार्डियक मसल का हार्ट बनता है। वॉल जो है वेंट्रिकल्स की, ये काफी थिकर है देन दैट ऑफ एट्रिया, जो कि हमने बनाया भी है। यहां पर देखो, ये जो आपके वेंट्रिकल की वॉल्स हैं, ये काफी थिक बनाई है हमने एज कंपेयर टू दैट ऑफ एट्रियम। एट्रियम की तो वॉल हमने इनफैक्ट बनाई भी नहीं है, लेकिन ये जो वॉल है आपकी वेंट्रिकल की, ये काफी ज्यादा मोटी हम लोगों ने बनाई है, बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रांग। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन भी काफी स्ट्रांग होता है, तो उसे स्ट्रांग दिखाने के लिए हमें इतनी मोटी मोटी वॉल्स तैयार करनी पड़ती हैं। तो ये आपका वेंट्रिकुलर वॉल है जो हमने यहाँ पर बना दिया है वेंट्रिकल को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि बड़े चैम्बर्स हैं तो इतनी मोटी मोटी वॉल्स की आवश्यकता, दीवारों की आवश्यकता होगी। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक शॉट में पढ़ते हैं फिर सारी की सारी चीजें मेंशन कर देंगे। एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट होता है हार्ट के अंदर, जिसे नोडल टिश्यू बोलते हैं। ये नोडल टिश्यू ना, क्योंकि आप जब पैदा होते हो तब से आपका दिल धड़क रहा होता है और आप मरते हो तब तक आपका दिल धड़कता रहता है। यार इतने सिग्नल कोई किसी को कैसे दे सकता है? इसके पास खुद का कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ना जिससे धड़क सके। तो नोडल टिश्यू इसे हेल्प करते हैं ऑटो एक्साइटेड होने में और खुद ही धड़कने में। तो नोडल टिश्यू जो है ये आपके यहाँ पर पाए जाते हैं हार्ट के अंदर। पहला जो नोडल टिश्यू है इसे कहा जाता है साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड यानी एट्रिया में प्रेजेंट है, राइट अपर कॉर्नर पे ऑफ राइट एट्रियम। और दूसरा जो है वो आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट है, जिसे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोला, यानी एट्रिया और वेंट्रिकल के जंक्शन पे प्रेजेंट है। एक बंडल जो है आपका फिर फाइबर का, जिसे एवी बंडल कहा जाता है, ये आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड से कनेक्टेड होता है और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टा था इससे निकलता हुआ लेफ्ट और राइट बंडल में डिवाइड हो जाता है। इस बात को समझने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायग्राम में सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? और ये फाइबर जो है जिनकी दो चोटी बनी है, ये आगे चल के पूरे वेंट्रिकल में फैल जाएंगे। इन्हें क्या कहा जाता है? परकंजी फाइबर कहा जाता है। अब देखो यार डायग्राम के अंदर कि क्या हुआ। पहला जो आपका नोडल टिश्यू प्रेजेंट है वो कहां प्रेजेंट है? पहला जो आपका नोडल टिश्यू है ये राइट एट्रिया है। राइट एट्रिया में अपर राइट कॉर्नर पर ही पहला नोडल टिश्यू प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या बोला? एस ए नोड। इसको बोला एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड। और दूसरा यहां पर एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में इस सेप्टा के आसपास प्रेजेंट है, इसे हमने क्या बोला? ए वी नोड, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब ये एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड क्यों बोला? क्योंकि देखो यार, ये वाला पार्ट है एट्रिया, ये वाला पार्ट है वेंट्रिकल, एकदम इसके जंक्शन पे प्रेजेंट है ना, इस एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा के पास, इसीलिए इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोला। अब ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, इससे निकलते हैं कुछ फाइबर्स, इससे निकलते हैं कुछ फाइबर्स, राइट? कुछ फाइबर्स। और ये फाइबर्स आगे जाके ना दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें दोनों वेंट्रिकल्स को ठीक से घेरना है, तो ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं। राइट, ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो गए, ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाएंगे, और क्योंकि इन्हें पूरे वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराना है तो पूरे वेंट्रिकल में फैल चुके होते हैं इस प्रकार से। ओके, ब्रांचिंग भी इनकी थोड़ी बहुत यहाँ पे हो सकती है। सिमिलरली यहां पर ये जो फाइबर है ये भी आपका दूसरे वेंट्रिकल को अच्छे तरीके से घेर लेगा, जिससे कि भैया इतना घेरा हुआ हो वेंट्रिकल कि इसे जब कॉन्ट्रैक्ट कराना हो तो सिग्नल प्रॉपर हमें मिल जाए। अब यहां पर ये जो बंडल है ना, फाइबर का बंडल, इसे क्या कहा जाता है? बंडल ऑफ हिस, इसे कहा जाता है बंडल ऑफ हिस, जो कि आगे चल के दो बंडल्स में डिवाइड हो गया। ओके, आपका लेफ्ट बंडल और राइट बंडल, जो लेफ्ट और राइट साइड में जा रहे हैं रिस्पेक्टिवली, यहां पर ये जो फाइबर है ये और ज्यादा अच्छे तरीके से डिवाइड हो गए। इन्हें कहा पुर्किंजे फाइबर्स, पुर्किंजे फाइबर्स। काम क्या है इन एसए नोड का और एवी नोड का? एसए नोड खुद से सिग्नल देता है एट्रिया के कॉन्ट्रेक्शन का, क्योंकि यहां प्रेजेंट है ना, गौर से देखना। सबसे पहले सिग्नल आता है एसए नोड में कि भैया दिल को धड़कना है, ठीक है? ये खुद ही ऑटो एक्साइट हो जाता है, इसके पास खुद का ही सिग्नल आ गया कि यार दिल को धड़काना है।
तो ऐसे नोड जब एक्टिवेट हुआ तो एट्रिया में प्रेजेंट है तो पहले एट्रिया धड़कते हैं, जब एट्रिया धड़क चुका तो अब वेंट्रिकल को धड़कना है। यार एट्रिया तो छोटे छोटे हैं, झटपट धड़क गए, वेंट्रिकल बड़ा है तो इसमें क्या कर दिया हमने, एक जाल फैला दिया, परकंजी फाइबर बोलते हैं उनको, एक जाल फैला दिया कि ये जो जाल है ना ये पूरा जाल जब धड़केगा तो वेंट्रिकल ऑटोमेटिकली धड़क जाएंगे। तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास ये जो नोड प्रेजेंट है, फिर सिग्नल जाता है इसके पास, यहां पे तो धड़का दिया इसने सब कुछ, अब यहां पे धड़कन स्टार्ट होती है, वेंट्रिकल्स धड़कते हैं। दैट्स व्हाई दिस टिश्यू इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, जिससे कि बढ़िया तरीके से जो है चीजें होती रहे, राइट, बढ़िया तरीके से चीजें होती रहे। ऑलराइट, अब देखो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, हार्ट जो है ऑटोमेटिकली धड़कता है बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के, इसीलिए इसे ऑटो एक्साइटेबल कहा जाता है या मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है, मसल में अपने आप ही कॉन्ट्रेक्शन होती है। ऐसे नोड इसके लिए इंपॉर्टेंटली रिस्पॉन्सिबल है जो 70 से 75 बार एक मिनट में हार्ट को धड़का देता है। तो ऐसे नोड का काम क्या है कि ये हार्ट बीट को इनिशिएट करे और उसकी कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी की रिदम को बरकरार करे, यानी कि एक मिनट में अगर 72 बार दिल धड़कता है एवरेज, तो उसकी रिदम को ये मेंटेन करे, 72 बार ही दिल धड़के नॉर्मल केस में, इसीलिए इसे पेसमेकर ऑफ द हार्ट कहा जाता है। एस ए नोड को पेसमेकर ऑफ द हार्ट कहा जाता है। कई बार ये पेसमेकर खराब हो जाता है तो आर्टिफिशियल पेसमेकर डालना पड़ता है, या फिर जब तक ऐसे नोड खराब है तब तक ए वी नोड जो है वो भी आपका काम संभाल सकता है, पर उसकी कॉन्ट्रेक्टिंग एबिलिटी 70 से 75 नहीं होती, वो लगभग 45 से 50 बार दिल को धड़का सकता है, राइट? सो ये आपके हार्ट का स्ट्रक्चर था। एक और बार पूरा का पूरा आपको अच्छे तरीके से समझा देता हूं जिससे कि बेटर क्लैरिटी आ जाए। ये आपका हार्ट है पूरा का पूरा, इसके ऊपर एक वॉल लगी हुई है, इनफैक्ट दो वॉल्स लगी हुई है जिनको बोला पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम्स के बीच में फ्लूइड है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला। यहां पर जो ऊपर वाले चैंबर हैं छोटे छोटे हैं जिन्हें एट्रिया बोला, एट्रिया के बीच में जो वॉल है इसे इंटर एट्रियल वॉल बोला, नीचे वाले चैंबर बड़े बड़े हैं इन्हें वेंट्रिकल बोला, वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल है इन्हें इंटर वेंट्रिकुलर वॉल या इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम बोला। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोला। अब एट्रिया और वेंट्रिकल को कॉन्टेक्ट में लाने के लिए यहां पर ट्राइकस्पिड वॉल है राइट साइड में और बाइकस्पिड वॉल है लेफ्ट साइड में, ठीक है? ये जो आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है काफी मोटा है और इससे आपके बंडल ऑफ हिस और परकंजी फाइबर आपके पास होते हैं। और दो आपके इंपॉर्टेंट नोडल टिश्यूज हैं, ऐसे नोड जो कि पेसमेकर है और एवी नोड जो कि उसी का भाई है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे पाया जाता है इन द राइट एट्रिया। ओके, कॉर्डेट एंड में क्या होता है, गुड क्वेश्चन। यहां पे जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है इनको रेगुलेट करने के लिए यहां पे कुछ आपके कनेक्शंस बने होते हैं जिन्हें कॉर्डेट एंटेने कहा जाता है। ओके, जैसे यहां पे देखो अगले डायग्राम में, यहां देखो इनको खोलने या बंद करने के लिए ना स्पाइडरमैन के जाल टाइप लगे हुए, खोलने के लिए नीचे से थोड़ा सा पुल आता है जो कौन करता है, कॉर्डेट एंटेने करता है, कॉर्डेट एंटेने करता है, राइट? चले, यहां तक किसी को कोई भी डाउट इन द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट? बहुत डिटेल्ड डायग्राम बन गया है यार, और इसमें सारी चीजें कंप्लीट हैं, यानी आपको ये दो तीन पेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ना आपको ये पढ़ना है सारे पॉइंट लिख दिए, ना ये पढ़ना है सारे पॉइंट लिख दिए, ना ये बनाना है ऑलरेडी बना दिया, ना ये पढ़ना है ना ये पढ़ना है ना ये पढ़ना है, सारी स्लाइड्स को यहां एक में ही कन्वर्ट कर दिया, यही तो है नोट मेकिंग यार। उदित, किसी भी फ्लूइड का काम क्या होता है, जैसे लंग्स थे आपके, तो लंग्स की कवरिंग के बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ था, कोई भी ऑर्गन सीधा नहीं चाहता कि उसको कोई डैमेज कर दे, समझ लो। जैसे जो ब्रेन है यहां पर भी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ, राइट? कोई भी ऑर्गन नहीं चाहता कि अगर कोई इंसान गिरे ना तो उस ऑर्गन को डायरेक्टली हार्म पहुंचे, तो हर कोई कहीं ना कहीं शॉक एब्जॉर्बेंस के लिए या प्रोटेक्शन के लिए या फ्रिक्शन से बचने के लिए कहीं ना कहीं अपने पास एक फ्लूइड रखता है, जैसे यहां पेरिकार्डियल फ्लूइड है, राइट? सो ये काम होता है बेसिकली किसी भी फ्लूइड का, टू एब्सॉर्ब द शॉक जिससे ऑर्गन को डैमेज ना पहुंचे। ऑलराइट, समझ लो यार, मैं छत पे खड़ा हूं, पतंग उड़ा रहा हूं, मस्त त्योहार का मौसम है, पतंग उड़ा रहा हूं, दिखा नहीं ईंट पे पैर फिसला जमीन पे गिर गया, अभी समझो कि अगर मेरी ब्रेन को
बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा है। समझ लो मेरी ब्रेन के ऊपर फ्लूइड नहीं है और एक खोपड़ा भी नहीं है, हड्डी नहीं है, गिरते ही खरबूजे की तरह सर फट जाएगा। द चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर एब्सोल्युटली जीरो। या फिर अच्छी खासी चोट लगेगी, हेमरेज हो जाएगा, अलग अलग बीमारियां हैं, मेमोरी लॉस हो जाएगा। लेकिन जब आप थोड़ी बहुत दूरी से गिरते हो ना, जिंदगी में हजारों चोटें लगी हैं लेकिन तुम पागल तो नहीं हुए, हजारों चोटें लगी हैं लेकिन याददाश्त तो गुम नहीं हुई ना, क्योंकि बहुत प्रोटेक्टेड वे में रखा गया है हर ऑर्गन को, बहुत संजो के रखा गया है। क्योंकि हम नहीं चाहते यार हमारी बैंड बच जाए ना जरा जरा सी बात पे, कि बचपन में साइकिल से गिरे और अब भैया आराम से बैठे हुए हूं, क्या भैया जिंदगी खत्म हो गई, साइकिल से गिर गए थे हम तो एक बार बचपन में। यार हजार बार साइकिल में गिरे हो तुम, और तुम ना नालियों में भी गिरे होगे, पक्की बात है, साइकिल चलाते चलाते किसी अंटी पे चढ़ा दी होगी, अलग अलग चीजें हैं भाई, लेकिन तब भी तुम जिंदा बचे हो ना, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। मेरे को एक बार याद है, तो मेरे को एक सेकंड हैंड साइकिल मिली, तो मैं यू नो बहुत मतलब ऐसे थोड़ा लोअर मिडिल क्लास ही थे यार हम लोग, साइकिल थी नहीं, एक दोस्त की साइकिल थी, तो उसने बोला यार चला लो, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मेरे को हैंडलिंग आ गई थी, बट मेरे को पैडल मारना नहीं आया और उसकी चेन भी नहीं थी उस साइकिल की, साइकिल की चेन भी नहीं है, तो मैं खाली पैडल मारूं तो क्या मारूं फिर, चेन तो है नहीं, तो मैं सिर्फ उस पर पैर रखता था और ऊपर चढ़ा के ले जाता था और ढलान पर लुढ़काते हुए लेके आता था साइकिल, और उसमें ना ब्रेक थे, आगे से जा रही भैया दो आंटी मेरा निशाना इतना पक्का भाई, दोनों आंटी के बीच में डाल दी मैंने साइकिल, और दोनों को बराबर लगी, मतलब ऐसे ना क्योंकि हैंडल ऐसे दोनों की साइड में, मैं सोचा कि यार एक को मार दिया आंटी को, दूसरी को बुरा लगा तो फिर कैसे, फिर ऐसे तो समाज में मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा ना, तो मैंने दोनों के बीच में डाल दी। उस टाइम पे कुछ सूझा ही नहीं यार, मैं छोटा था, काफी छोटा था, आई थिंक सेकंड थर्ड क्लास की बात है, तो हो गया ये बात है अब याद करके बहुत हंसी आ रही यार एकदम, मतलब अभी ग्रैंड फिनाले बाकी है। एक्चुअली बात ये थी कि मैं फिर साइकिल छोड़ के भाग गया था वहां से आंटी पकड़ ही नहीं पाई, वो तो कई देर बाद फिर साइकिल लेके मैं वहां से आया। तो है भाई अपना जिंदगी में यही लोचा रहा है काफी। चलो हार्ट का स्ट्रक्चर हो गया खत्म, दैट्स इट, यही बात है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में सब कुछ आ गया। अब अगर आपको SA नोड और AB नोड पता लग गया तो आपके लिए कार्डियक साइकिल है हलवा। यहां मैं सिखाऊंगा आपको डांस। अब मैं बनने वाला हूं भाई गोविंदा, अब मैं तुम्हें डांस सिखाऊंगा। यार लेफ्ट साइड कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ी होती है और वेंट्रिकल ऑब्वियसली स्ट्रांग है, बड़ा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल आपका स्ट्रांगेस्ट माना जाता है, राइट श्वेता। चलो अब कार्डियक साइकिल में मैं आपको डांस सिखाऊंगा, ठीक है, डांस सिखेंगे हम लोग, एंड जनरली डांस सिखाऊंगा, ठीक है, तीन स्टेप बताऊंगा और तीन स्टेप में कार्डियक साइकिल खत्म, 3 सेकंड में 3 स्टेप कार्डियक साइकिल खत्म, दैट्स इट। वो स्टेप है ये और ये, दैट्स इट, 3 स्टेप कार्डियक साइकिल पूरी खत्म। सबसे पहले दोनों के दोनों जो आपके यू नो हार्ट के चैंबर्स हैं वो लेट्स से रेस्ट पर है, ठीक है, दोनों के दोनों हार्ट के चैंबर रेस्ट पे, तो एक खुले खुले अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुए, ये दोनों के दोनों एट्रिया हैं ऊपर, ये दोनों के दोनों वेंट्रिकल हैं नीचे, ऑलराइट। सबसे पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, SA नोड कहां पर है, एट्रिया में, सबसे पहले कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा सिग्नल आते, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किए, स्टेप वन डांस का, स्टेप वन एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल वैसा का वैसा भैया। स्टेप टू वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रिया रिलैक्स, और स्टेप थ्री दोनों रिलैक्स। क्या किया मैंने, ये आपके दोनों खुले पड़े हुए हैं, पहला स्टेप एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, तो एट्रिया रिलैक्स, फिर दोनों रिलैक्स, एज सिंपल एज दैट। 2-3 बार करके देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर उल्टा, फिर ये दोनों रिलैक्स, ओके, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ उल्टा दोनों रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ उल्टा दोनों रिलैक्स, दैट्स इट, दिस इज इट। टोटल जो है यहीं पर कार्डियक साइकिल खत्म हो गई। अगर इसके अलावा मैं तुम्हें कोई बात बता दूं तो भैया मेरे लेक्चर छोड़ के चले जाना कि सर आपने इसके अलावा कोई बात बता दी। अब मेरी बात सुनो, ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है, 4 चैंबर बना देते हैं, 4 चैंबर बन गए, 2-3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे, 2-3 डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, 2-3 डायग्राम बना लेते हैं। अब देखो क्या हुआ, सिग्नल कहां से ओरिजिनेट होता है, SA नोड कहां पर है, SA नोड आपका यहां पर है, AB नोड आपका यहां पर था, और यहां से आपका वेंट्रिकल में सिग्नल जाता है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन कहां पर होगी,
यहां से सिग्नल अगर स्टार्ट हुआ है दोस्त, तो आसपास के एरिया ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, आसपास के एरिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहां पे एट्रिया जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कर गए, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गए। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ब्लड नीचे की साइड जाएगा भाई, ऊपर से आप किसी गुब्बारे को दबा रहे हो तो नीचे की साइड पानी जाएगा ना, एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड कहां पर जाएगा, नीचे की साइड जाएगा, तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल खुल गए, सिंपल सी बात है भैया, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल खुल गए, ऊपर की चीज को मैंने दबाया तो नीचे जाएगा सारा कंटेंट, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल खुल गए, 30% ज्यादा फ्लो करेगा ब्लड वेंट्रिकल्स में। अब ये वॉल खुल गए तो वेंट्रिकल के अंदर आ गया है, वेंट्रिकल के अंदर आ गया ब्लड, तो वेंट्रिकल जो है इन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है जिससे ब्लड यहां से बाहर निकल जाए, एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में चला जाए, तो ये वाला एरिया हो गया रिलैक्स, और ये वाला जो एवी नोड था इसने वेंट्रिकल्स को करा दिया कॉन्ट्रैक्ट। अब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपका ब्लड यहां से बाहर निकल गया दोनों के दोनों चैंबर से, यहां पर प्रेशर आ गया, और दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं तो यार अब दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, दोनों के दोनों ही रिलैक्स हो जाएंगे, दोनों के दोनों ही रिलैक्स हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो इसे आप बोलते हो सिस्टॉल, जब आप रिलैक्स करते हो तो इसे आप बोलते हो डायस्टॉल, डायस्टॉल, ये बात है। अब देखना इसके अलावा कोई बात नहीं बताऊंगा और इतने में ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा भाई। सबसे पहले रेस्टिंग स्टेज पे चारों के चारों चैंबर्स जो थे रिलैक्स थे, यानी जॉइंट डायस्टॉल था, चारों के चारों चैंबर्स आपके रिलैक्स पोजिशन में थे। फिर क्या हुआ, ऐसे नोड ने जनरेट किया एक्शन पोटेंशियल, यानी ऐसे नोड ने कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल दिया, तो कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसे नोड के पास कौन है, एट्रिया, तो एट्रिया साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जो है नीचे की साइड जाएगा वेंट्रिकल में 30% ज्यादा रफ्तार से, ठीक है। तो पहले दोनों रिलैक्स थे, फिर ऐसे नोड में सिग्नल आया तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए, वेंट्रिकल वैसा का वैसा है। अब लेकिन आपका एवी नोड और जो बंडल थे उसने वेंट्रिकल साइड में एवी नोड और एवी बंडल ने सिग्नल दे दिया, तो अब वेंट्रिकल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इसे बोला वेंट्रिकल सिस्टॉल, तो यहां पर एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वेंट्रिकल वैसा का वैसा, वेंट्रिकल सिस्टॉल, तो ब्लड नीचे चला जाएगा, ऊपर से खाली है ब्लड, तो एट्रिया आपका रिलैक्स हो गया, एट्रिया रिलैक्स हो गया, ये था आपका स्टेप टू, ये था आपका स्टेप टू। अब दोनों जो आपके नीचे सेमिलूनर वॉल थी वो खुली, दोनों सेमिलूनर वॉल खुली, तो आपका ब्लड जो है अब वेसल्स के अंदर चला गया, वेंट्रिकल सब रिलैक्स कर जाती हैं, और आपका एट्रिया पहले से ही रिलैक्स था, यानी तीन स्टेप क्या हुए, पहला आपका एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल वैसा का वैसा, दूसरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एट्रिया रिलैक्स हो गया, तीसरा दोनों रिलैक्स हो गए। बात समझ में आई या नहीं, बात समझ में आई या नहीं, सिर्फ यही बात है, एंड में वेंट्रिकल और एट्रिया दोनों के दोनों दोबारा से रिलैक्स हो गए, जहां से कहानी शुरू हुई थी वही खत्म हो गई, दिस इज कॉल्ड एज जॉइंट डायस्टॉल। बात समझ में आई या नहीं, फटाफट बताओ, तीन स्टेप की कहानी है दोस्त, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एट्रिया रिलैक्सेशन, दोनों रिलैक्सेशन, काम खत्म, थम्स अप दे दो फटाफट अगर ट्रिक पसंद आई तो, फटाफट भैया फटाफट झटपट। आई होप यू गॉट दिस वेरी वेल, जस्ट लेट मी नो इफ इट इज फाइन टू प्रोसीड, अगर अगले टॉपिक पे जाने के लिए तैयार हैं तो एक बार बताइए झटपट। झटपट बता दो भैया, आ गया आ गया आ गया, बहुत बढ़िया सबको आ गया, शानदार शानदार। देखा यार मजे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती, नाच वाच के पढ़े, बहुत प्यार से दोनों टॉपिक आज के समझ में आ गए, हार्ट हमने पूरा बना के देखा, कार्डियक साइकिल नाच नाच के समझी, ठीक है, तीन स्टेप में काम खत्म। चलो यार अब देखो, मैंने आपको बताया था 70 से 75 बार, यानी लगभग एवरेज 72 टाइम्स आपका दिल धड़कता है एक मिनट में, एक मिनट में यानी 60 सेकंड में 72 टाइम दिल धड़क रहा है, तो आपका एक बार दिल धड़कने में कितना टाइम लगता होगा, 60/72 लगता होगा, यानी एक बार दिल धड़कने में कितना टाइम लगता होगा, अराउंड आपकी 0.8 सेकंड लगती होंगी, 0.8 सेकंड लगती होंगी, ये कार्डियक साइकिल का टाइम है, लगभग कार्डियक साइकिल का टाइम 0.8 सेकंड होता है नॉर्मल केस में, जब आपका हार्ट 72 टाइम्स धड़क रहा है, और एक कार्डियक साइकिल में हर वेंट्रिकल ना, ईच वेंट्रिकल पंप्स अबाउट 70 ml ब्लड, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो 70 ml ब्लड फेंकते हैं, इसे कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम, इसे कहा जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। भाई एक
कार्डियक साइकिल में 70 ml ब्लड फेंका, एक मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल हो रही है 72, तो 70 × 72 कर दो, 5 लीटर के आसपास ब्लड फेंकता है आपका एक वेंट्रिकल, इसे कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। यानी एक कार्डियक साइकिल में 70 ml ब्लड पंप करता है, इसे हमने बोला स्ट्रोक वॉल्यूम। तो एक मिनट में कितना कर रहा होगा एक वेंट्रिकल, एक मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है, 70 ml ब्लड पंप हो रहा है, 72 बार दिल धड़कता है, लगभग 4900 के आसपास ये डेटा आएगा, 4950 के आसपास कुछ, बाकी कैलकुलेशन तुम देख लेना यार। तो 500 ml ब्लड यहां पर पंप हो रहा है, इसे बोला कार्डियक आउटपुट। ठीक है, अब आप लोग जो है स्ट्रोक वॉल्यूम को ऑल्टर कर सकते हो। जैसे कि एथलीट जो है इनका दिल बहुत तेजी से धड़कता है, अगर मैं भाग रहा हूं तो मेरा दिल 70 की जगह समझ लो 90 बार धड़क रहा है एक मिनट में, तो 90 बार धड़क रहा है तो इंटू 70 की जगह, यहां पे इंटू 72 की जगह इंटू 90 करना पड़ेगा मुझे, तो क्या हुआ, बढ़ गया ना भैया, ओवरऑल कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। तो मैं कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम को चेंज कर सकता हूं। अब आपके दिल की दो आवाजें होती हैं, अब ये फुद्दू बनाते हैं पिक्चर में कि दिल से आवाज आई धक धक, जब मैंने पहली बार सुना कि दिल की आवाज है लब डब, मेरे तो पैरों के नीचे जमीन निकल गई भैया। बचपन के सारे कंसेप्ट गलत हो गए, धक धक बोले दिल मेरा, ये बोले वो बोले, कुछ ना बोले भाई, लब डब बोले, आज तक एक गाना नहीं बना भाई सही, एक गाना सही नहीं बना जिसमें लब डब का जिक्र किया हो, राइट। तो लब आवाज कब आती है, जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल जो है ये क्लोज होती है, यानी ब्लड वेंट्रिकल में आ चुका है, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्लोज हो चुकी है, अब नीचे ही जा पाएगा ब्लड, जब सेमिलूनर वॉल भी क्लोज हो जाए तब क्या हुआ, डब की आवाज आई, लब डब दो आवाज है, लब तब आई जब बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्लोज हो गए, डब तब आई जब सेमिलूनर भी क्लोज हो गए, आपके ब्लड वेसल में जा चुका है आपका खून, समझो। ह्यूमन बॉडी में एवरेज कितना लीटर ब्लड होता है, कितना एमएल कितना लीटर, आइडियली देखो यार 5 से 7 लीटर के आसपास होता है, कम ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन पर्सन, राइट। लब डब आर द रियल वॉइसेस, धक धक धुक धुक कुछ नहीं होता भाई। अब ये देखो ये कार्डियक साइकिल है, कार्डियक साइकिल में जो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना कम टाइम में करते हैं, जैसे कि यहां जीरो से टाइम स्टार्ट है, 0 से 0.1 सेकंड में ना एट्रियल सिस्टोल यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर चुका, ठीक है, एट्रियल सिस्टोल यानी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर चुका, और बचे हुए 0.3 सेकंड में आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, इसमें वेंट्रिकल धड़कता है 0.3 सेकंड में, और बचे हुए जो 0.4 सेकंड है इसमें वेंट्रिकल और एट्रिया दोनों के दोनों रेस्ट पे रहते हैं, ठीक है। तो एट्रिया आपका सिर्फ इनिशियली धड़का था 0.1 सेकंड के लिए, 0.7 सेकंड इसने रेस्ट मारा, 0.7 सेकंड इसने रेस्ट मारा, और वेंट्रिकल धड़का 0.3 सेकंड के लिए, तो 0.5 सेकंड इसने रेस्ट मारा, यहां से यहां तक 0.5 सेकंड इसने रेस्ट मारा, राइट। चलो अब है ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। पहले तो यहां पर एक बात क्लियर कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नाम में क्या है, ग्राफ, तो हमें क्या लगता है कि ये जो ECG बनता है ना PQRST, ये जो बनता है, ये जो ग्राफ है इसे ECG बोल रहे हैं, इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोल रहे हैं, पर दिस इज रॉन्ग, दिस ग्राफ, ये जो एक्चुअल में ग्राफ है इसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका नाम ग्राफ नहीं ग्राम है, और जबकि जो मशीन है उसका नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, यानी जो ग्राम है वो एक्चुअल में ग्राफ है और जो मशीन है वो एक्चुअल में नाम से ग्राफ है, ओके, ये बात है, ऑलराइट। चलो तो आपने देखा होगा फिल्मों में एक टिपिकल ड्रामेटिक सीन, एक आदमी है वो अपनी आखिरी इच्छा जो है व्यक्त कर रहा है, उसका एक आखिरी सपना है कि उसका बच्चा किसी को तबाह करके आ जाए, है सन ऑफ सत्यमूर्ति देखी होगी ना। तो
उसकी आखिरी इच्छा है। जैसे ही बच्चा आखिरी इच्छा पूरी कर देता है, पहले तो दिल यूं धड़क रहा होता है, उसके बाद एंड में पी की आवाज आती है लंबी, और भैया आदमी के लग जाता है जिंदगी पे फुल स्टॉप। यहां हो गया खेल खत्म। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है इट इज एक्चुअली मशीन एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जो मैंने आपको डांस सिखाया था ये सेम डांस है, ये सेम डांस है। यहां पे सबसे पहले क्या हुआ, आपका एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो इट इज एट्रियल सिस्टोल, एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद क्या हुआ था, एट्रिया रिलैक्स वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका है वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल। और फिर आपका वेंट्रिकल भी रिलैक्स हो गया था, ये है आपका वेंट्रिकल डायस्टोल, वेंट्रिकल रिलैक्स। जो डांस सिखाया था इस ग्राफ का यही मतलब है। ठीक है, तो ये ईसीजी करेक्टली देखने के लिए तीन इलेक्ट्रिकल लीड्स लगाई जाती हैं, वन ऑन ईच रिस्ट यानी कलाई के ऊपर, और एक लगाया जाता है आपका लेफ्ट एंकल के ऊपर नीचे। ऑलराइट, इसके अलावा छाती पर भी मल्टीपल लीड्स लगाई जाती हैं फॉर गेटिंग बेटर ईसीजी। यहां पर पी क्यू आर एस टी तक की आपकी मार्किंग होती है। पी वेव जो इनिशियल वेव है, इट इज डीपोलराइजेशन यानी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एट्रिया, जो कि पहला स्टेप था। दूसरा क्या था, QRS कॉम्प्लेक्स में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे यानी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और इसके बाद जो है आपका T, यह रीपोलराइजेशन यानी अब उल्टा हो गया, वेंट्रिकल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद दोबारा रिलैक्स हो गए। तो QRS यानी वेंट्रिकल कितनी बार धड़के, इसको अगर आप काउंट कर लो तो आप बता दोगे कि हार्ट बीट क्या है, हार्ट कितनी बार धड़का। समझ लो एक मिनट में 70 QRS कॉम्प्लेक्स आए, इसका मतलब 70 बार दिल धड़का है, तभी तो 70 बार QRS कॉम्प्लेक्स आया ना, 70 बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए। अगर आपका कम या ज्यादा कुछ डेविएशन आती है, ऊपर नीचे हो जाता है ग्राफ, इसका मतलब आपको दिल की बीमारी है। दैट्स व्हाई ईसीजी इज डन इन एवरी कार्डियक प्रॉब्लम, इट इज ऑफ हाई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ये क्या है आपका, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए एट्रियल सिस्टोल, QRS क्या है आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ वेंट्रिकल सिस्टोल, एंड T क्या है आपका वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ वेंट्रिकल डायस्टोल। इसको कहा जाता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, इसको कहा जाता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, इसे कहा जाता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, अब बात करते हैं डबल सर्कुलेशन की। यानी हमने देखा था कि हार्ट में दो बार ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, पहली बात तो दो बार कहां कहां हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं आर्टरी और वेन का स्ट्रक्चर, आर्टरी और वेन का डायग्राम। ये आपकी आर्टरी है, लेट्स से, तो इसकी तीन लेयर होती है। पहली नस इतनी पतली है, पहली ब्लड वेसल इतनी पतली है, इनकी भी भैया तीन तीन लेयर है। सबसे अंदर वाली जो लेयर है ना, इनर लाइनिंग, ये एंडोथीलियम की बनी होती है, इसे एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल कहते हैं। राइट, अंदर है सबसे, तो इसे ट्यूनिका इंटीमा बोला। राइट, इसे ट्यूनिका इंटीमा बोला, ऐसे इट इज ट्यूनिका इंटीमा, जो कि आपके पतले पतले स्क्वेमस सेल से बनी हुई है, टाइल लाइक सेल से बनी हुई है। बीच की जो लेयर है ये आपकी स्मूथ मसल की बनी रहती है, यानी इतनी पतली नस है उसके बीच में भी स्मूथ मसल है, तो कैसी मसल रहेगी, इनवॉलेंट्री, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मसल और इलास्टिक फाइबर की ट्यूनिका मीडिया बनी हुई है, आपकी ट्यूनिका मीडिया काफी मोटी होती है। और इसके बाद आप एक्सटर्नल लेयर देखेंगे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की और कोलेजन फाइबर की। कोलेजन और फाइबर का क्या काम रहता है, कोलेजन और फाइबर का काम रहता है आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। तो एक्सटर्नल जो लेयर है ये क्या प्रोवाइड करेगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, क्योंकि इसके अंदर फाइबर्स है। राइट, जिससे आपकी ब्लड वेसल कोलैप्स ना हो जाए। ट्यूनिका मीडिया जो है ये थिन रहती है इन वेन्स, यानी उसमें मीडिया जो है वो पतली है, तो उसमें ओवरऑल सेंटर पे ज्यादा जगह बचेगी। यानी यहां देखो मीडिया काफी मोटी है। अब मैं दूसरी अगर ब्लड वेसल बनाऊं, ओके, सेंटर से बनाना स्टार्ट करते हैं, मैं दूसरी ब्लड वेसल बनाऊं, ये आपकी मीडिया है काफी पतली, इसके जस्ट बाद आ चुकी है आपकी एक्सटर्नल। तो अगर दोनों का, इन दोनों का डायमीटर सेम है, अगर ये सेम है और ये सेम है, तो इसकी मीडिया सिंस पतली है तो इसका ल्यूमेन ज्यादा बड़ा हुआ, ल्यूमेन बड़ा हुआ वेन का। राइट, और आर्टरी का ल्यूमेन छोटा हुआ,
अगर ल्यूमन बड़ा है वेन का, अगर ज्यादा स्पेस है किसी चीज के पास मूव करने के लिए, तो वो स्लोली स्लोली मूव करेगी आराम से, तो यहाँ पे स्लोली मूव ब्लड करेगा, स्लोली मूव करेगा ब्लड, स्लोली मूव करेगा मतलब प्रेशर कम क्रिएट करेगा, यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हैं बीपी इज गोइंग टू बी लो, यस, तो इसका प्रेशर कम रहता है। यहाँ पे पतली नली है तो बीपी इज गोइंग टू बी कंपैरेटिवली हाई, तो आर्टरीज में ब्लड का फ्लो बहुत तगड़ा रहता है। ट्यूनिका मीन्स लेयर, ऑलराइट, ट्यूनिका मीन्स लेयर, ऑलराइट। तो यहां पर देखो डायग्राम में आपको साफ साफ दिखा देता हूं, ये जो आर्टरी है इसके अंदर ट्यूनिका मीडिया मोटी है, जबकि जो वीन है इसमें ट्यूनिका मीडिया पतली है, तो इसमें ल्यूमन बहुत मोटा हुआ, ल्यूमन इसका बड़ा है जबकि ल्यूमन इसमें आर्टरी में छोटा है। तो आर्टरी में बीपी होगा ज्यादा, वेन में बीपी होगा कम, ऑलराइट, ये बात है। अब देखो ब्लड जो है इट इज पंप्ड बाय राइट वेंट्रिकल एंटर्स इनटू पल्मोनरी आर्टरी, वेंट्रिकल और वो भी राइट साइड का, राइट साइड का वेंट्रिकल यानी इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड प्योरीफाई होने जाएगा लंग्स के पास तो पल्मोनरी आर्टरी उठा के ले जाएगी, और लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में क्या होता है प्योर ब्लड ऑर्गन्स के पास जाएगा, तो मेन आपकी जो आर्टरी है एरोटा वो इसे कैरी करेगी, ठीक है। इसे कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी लंग्स के पास हो रही है ये सर्कुलेशन, राइट, लंग्स के पास हो रही है ये सर्कुलेशन। दूसरी है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी ऑर्गन्स के पास जा रही है आपकी यू नो ब्लड और बाकी सारी चीजें ऑर्गन्स के पास जा रही है, तो यहां पे क्या हुआ अ यूनिक वास्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन, अच्छा ये तो चलो बाद की बात है, एक बार मैं आपको डायग्राम बना के समझा देता हूं कि हुआ क्या। सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन दोनों के दोनों ही मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखो ये आपका हार्ट है, सेंटर पे मैंने आपका हार्ट बना दिया, सेंटर पे मैंने हार्ट बना दिया, ऊपर दो छोटे छोटे चैंबर्स एट्रिया और नीचे दो बड़े बड़े चैंबर वेंट्रिकल, ये आपका राइट एट्रिया है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट एट्रिया है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहां आपके लंग्स हैं, यहां आपके लंग्स हैं, ठीक है, ये आपका लंग है, और यहां आपके ऑर्गन्स हैं, यहां आपका कोई सेल बना देता हूं, ये आपका ऑर्गन, ठीक है, ये आपके सेल्स हैं, बॉडी सेल्स, बॉडी टिश्यूज या बॉडी ऑर्गन कह सकते हो, तो सेल्स लिख दो, टिश्यूज लिख दो, ऑर्गन लिख दो, ऑर्गन, ऑलराइट। अब देखो मेरे भाई क्या हुआ यहां पर, अब रेड कलर से हम लोग ब्लड शो करेंगे, ठीक है, और वो भी हम शो करेंगे लेट से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड शो करेंगे रेड से, तो लेफ्ट साइड से आपका क्या निकला, लेफ्ट आपका जो वेंट्रिकल है, या लेफ्ट साइड से क्या निकलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कहां गया सेल्स के पास, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका सेल्स के पास गया, तो किसके थ्रू जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आर्टरीज के थ्रू, तो ये मेन आर्टरी में जाते हैं पहले एरोटा, फिर आपकी और छोटी छोटी आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, उनके थ्रू यहां तक पहुंचते हैं, ऑलराइट। अब यहां पे लद गया मेरे भाई के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये तो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, ये तो ऑक्सीजन वाला ब्लड है जो यहां पर पहुंचा सेल्स तक, ऑक्सीजन और खाना पीना लेकर के आया, अब इसमें लोड हो गया CO2, तो CO2 लेकर के ब्लड कहां जाएगा, CO2 लेकर के ब्लड कहां पहुंचेगा राइट साइड में, डीऑक्सीजनेटेड है ना, तो CO2 लेकर के कहां पहुंचा राइट साइड में पहुंचा, CO2 लेकर के राइट साइड में पहुंचा, ऑलराइट, CO2 अब राइट साइड में पहुंचा, अब राइट साइड से क्या आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है ना, तो ये कहां पहुंचेगा लंग्स में जाएगा भैया ऑक्सीजनेट होने के लिए, ये आपका लंग्स में चला गया ऑक्सीजनेट होने के लिए, और ऑक्सीजनेट होने के बाद यानी ऑक्सीजन इसमें आ जाने के बाद ये लेफ्ट साइड में एंटर करेगा, लेफ्ट साइड में एंटर करेगा, लेफ्ट साइड में एंटर कर गया दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट साइड से निकल करके फिर ऑर्गन में चला जाएगा। अब किस किस के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है वो देखो, किस किस के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होता है वो समझो मेरे भाई, लेफ्ट साइड से आपका ऑर्गन्स के अंदर जा रहा है ब्लड, ऑर्गन्स के अंदर जा रहा है तो कौन लेके जाएंगी आर्टरीज लेके जाएंगी, पहले प्राइम आर्टरी उसे उठा लेती है दैट इज एरोटा, एरोटा, ठीक है, फिर यहां पे ऑर्गन से आपका लेफ्ट साइड में जा रहा है, यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो लंग में जा रहा है तो क्या होगा पल्मोनरी आर्टरी इसे उठाएगी, पल्मोनरी आर्टरी इसे उठाएगी, पल्मोनरी आर्टरी इसे उठाएगी, पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है,
और लंग से हार्ट में लेके जाएगी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। और यहां पर ऑर्गन से जो आपका हार्ट में लेकर के जा रही है, कौन लेके जाती है? वेन। तो यहां पे सुपीरियर वेन आएगी वेना केवा। वेना केवा के बाद आपकी वेन आएंगी, बाकी बची हुई वेन्यूल्स आएंगे एंड कैपिलरीज जो आपकी हार्ट तक ब्लड पहुंचा देंगी। ये आपका पूरा का पूरा जुगाड़ है, काम खत्म, काम खत्म, ये बात है बस। दिस इज इट, यही है बस, इसके अलावा कुछ जानने को नहीं मिलेगा। तो हमने अच्छे तरीके से इनका नाम भी याद कर लिया है, और नाम याद करने के पीछे लॉजिक है भाई, पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। डीऑक्सीजनेटेड है तो लंग के पास ले जा रही होगी ना ऑक्सीजनेट करने, तो जो आपकी यहां से हार्ट से लंग के पास ले गई वो पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी वेन इकलौती वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, तो भैया लंग से हार्ट के पास ला रही होगी। एरोटा इज एन सुपीरियर आर्टरी, तो ऑब्वियसली ऑर्गन के पास ले जा रही होगी चीजें। एंड वेना केवा इज सुपीरियर वेन, तो ऑर्गन से हार्ट के पास ले जा रही होगी। काम खत्म, काम हो जाता है भैया, खत्म। कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई? कितने लोगों को यह बात समझ में आ गई? अब देखो सेम बात है, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी लेके गई चीजों को लंग्स तक प्योरीफाई होने के लिए, फिर प्योरीफाइड हुआ ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट साइड में आ गया। लेफ्ट साइड में आपकी डॉर्सल एरोटा है जो कि ऑर्गन्स तक ले गई ब्लड को, और ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपका वीना केवा यानी ग्रेट वीन आपकी हार्ट में वापस ले आई। काम खत्म, यही तो बात है, यही तो हम कह रहे हैं, राइट, यही बात है। एक यूनिक आपका कनेक्शन प्रोवाइड किया जाता है बिटवीन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी आपका एलिमेंट्री कैनाल एंड लीवर, तो लीवर इसमें इंपॉर्टेंटली आपका शामिल है। तो हेपेटिक वर्ड यहां पर इस्तेमाल किया जाता है, इट इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम मतलब यार तू जा ही रहा है वहां पे तो मेरा सामान भी ले जाइयो, तो क्या होता है डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो लीवर को सामान दे देता है। हेपेटिक पोर्टल वीन जो है ये इंटेस्टाइन से भी डाइजेस्टिव ट्रैक से भी कॉन्टेक्ट में आ जाती है और कहती है यार तेरे अंदर भी जो CO2 वगैरह है ना वो मुझे दे दे, मैं तो आगे जा ही रहा हूं ट्रांसपोर्ट कर दूंगा। तो लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में ये सिस्टम होता है। दूसरा सिस्टम है कोरोनरी सिस्टम। भाई हार्ट तो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, पर हार्ट के ऊपर जो मसल्स हैं इनको ब्लड कौन देगा? तो कोरोनरी सिस्टम एक ब्लड वेसल का नेटवर्क है जो कि हार्ट को प्रोवाइड करता है ब्लड, और वहां पर भी जो थोड़ी बहुत गंदगी बनती है CO2 वगैरह बनती है उसे लेकर के जाता है। तो कोरोनरी सिस्टम का काम है हार्ट के मसल्स को ब्लड देना, और हेपेटिक पोर्टल सिस्टम का काम है कि लीवर जो है वो इंटेस्टाइन से भी ब्लड ले ले और आगे ट्रांसपोर्ट कर दे, दोनों की गंदगी एक साथ रिलीज हो जाए। दोस्त उदित, एरोटा इज एन आर्टरी, दुनिया की हर आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिर्फ एक को छोड़ के, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी का काम है ऑर्गन तक ब्लड ले जाना, तो लंग्स तक भी लेके जाएगा, लेकिन लंग्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके करेगा क्या? भाई जो दुनिया को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है मैं उसके पास ऑक्सीजन लेके जाऊं? यानी एक बंदा जिसका पैकेज 20 करोड़ रुपए का है सालाना, जो हर महीने भाई 1.5 करोड़ रुपए कमा रहा है, मैं उसको बोलूं सर मेरा छोटा सा काम कर दो ना, ये लो सर 5,000 रुपए दूंगा आपको इंसेंटिव, मेरे मुंह पे झापड़ मारेगा घुस के ना, कूट देगा मुझे और बंदों से कुटवाएगा वो अलग। भाई लेवल देख के बात करते हैं ना हम। अब आर्टरी जाएगी और लंग को बोलेगी लो यार ऑक्सीजन लाया हूं, अबे भाई गोदाम पड़ा है पीछे, मैं हर सांस के साथ 500 ml चूस जा रहा हूं यार ऑक्सीजन वातावरण से, तुम मुझे ऑक्सीजन लाके दे रहे हो, उसको बुरा लगेगा ना भाई, ईगो हर्ट होगी। उसके पास हाथ जोड़ के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, भैया CO2 लाया हूं थोड़ा ऑक्सीजन दे दो ना बदले में, तब जाके थोड़ा काम चलता है, राइट। सामने वाले की ईगो सेटिस्फाई करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, राइट। चलो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, ओके, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी यानी हार्ट को कौन रेगुलेट करता है। 3 चैप्टर पढ़े हैं आपने अभी तक फिजियोलॉजी के, आज तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहला चैप्टर आपने पढ़ा डाइजेशन, डाइजेशन में मेड्यूला का नाम सुना था? मुझे बताओ कहां सुना था डाइजेशन में मेड्यूला का नाम, कहां सुना था? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, बताओ फटाफट। भाई आपने
वॉमिट सेंटर का नाम सुना हुआ है, जो उल्टी आती है तब रेगुलेट करता है, वॉमिट सेंटर कहां था? मेडुला में। लास्ट चैप्टर में आपने ब्रीदिंग के केस में मेन जो आपका रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर था उसके बारे में पढ़ा, वो कहां था? मेड्यूला में। और अब यहां पर मेड्यूला ही आपका कार्डियक रिदम को भी मेंटेन करता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है मेड्यूला। यानी इनिशियल तीन चैप्टर में तो मेड्यूला ही मेड्यूला का राज रहा है, कहीं पर रेगुलेशन देख लो, डाइजेशन में रेगुलेशन पड़ी मेड्यूला, ब्रीदिंग में रेगुलेशन पड़ी मेड्यूला, कार्डियक एक्टिविटी रेगुलेशन पढ़ रहे हैं मेड्यूला। लिंक करके पढ़ोगे तो यूं चीजें याद हो जाएंगी। अब नॉर्मल एक्टिविटी जो हार्ट की है वो तो सेल्फ रेगुलेटरी रहती है, इट इज ऑटो रेगुलेटेड, इसलिए मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है। मायो मतलब होता है मसल, यानी मसल से सिग्नल आ रहा है, नोडल टिश्यू से यानी ऐसे नोड से सिग्नल आ रहा है, तो ज्यादा इसे रेगुलेशन की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर आप बोलोगे मेड्यूला को तो थोड़ा बहुत रेगुलेट कर देगा वाया ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम दो तरीके का होता है, एक आपका सिंपथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम यानी SANS, दूसरा पैरासिंपथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम यानी PSANS। SANS तब काम आता है जब आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए, और PSANS तब काम आता है जब आप कुत्ते से छुटकारा पा चुके हो। अर्थात सिंपथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम आपकी हार्ट बीट को बढ़ाता है, और ये तब काम आता है जब आपकी बैंड बच चुकी है। कुत्ता पीछे पड़ गया है, जोर से भागना है, समझ नहीं आ रहा है, आंखें फट गई हैं, पसीना छूट गया है, जोर जोर से भागने लग पड़े हो, दैट इज SANS, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। कुत्ता दूर जा चुका है, दीवार के पीछे खड़े हैं आराम से, सुकून की सांस, पसीना आना बंद हो चुका है, ठंडी ठंडी लहलाती हवाओं में खुशी जाहिर करते हुए मुस्कुराता हुआ एक चेहरा, राइट, एकदम रिलैक्स्ड, दैट इज पैरासिंपथेटिक। ये डिक्रीज करता है हार्ट बीट को। और अगर किसी से झगड़ा हो जाए, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन यानी आपका एड्रेनलिन सिक्रेट होता है, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन, जब किसी से झगड़ा हो जाए उस टाइम पे ये भी कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देते हैं। वैसे तुम कितने ही कमजोर हो, किसी ने तुम्हें समझ लो गाली दे दी, किसी ने तुम्हें चंकट मार दिया जबरदस्ती, मुड़के भाई तुम एक बार आंखें फाड़ के देखोगे जरूर से कि तेरी तो मैं हड्डी तोड़ूंगा आज, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एड्रेनलिन। एड्रेनलिन रश होता है ना, जवानी का जोश जिसे बोलते हैं, जो एकदम खुद्दू से खुद्दू आदमी भी होता है वो उस टाइम पर अपने आप को शहंशाह समझता है, राइट, एकदम कि हाँ मैं तो दुनिया पे राज करने के लिए बना हूं, विच इज अ गुड थिंग, पर उसके पीछे एक बेसिस होना चाहिए, राइट। तो ऐसे एग्जैक्टली एमरजेंसी हॉर्मोन्स भी कहलाते हैं, फाइट और फ्लाइट हॉर्मोन इसे कह सकते हैं, दोनों में काम आता है, दोनों में एनर्जी की जरूरत है। फाइट, अगर तुम्हें लगता है सामने एक बंदा खड़ा है उसकी तुम हड्डी तोड़ सकते हो, फाइट करोगे, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। और फ्लाइट, सामने चार बंदे खड़े हैं और चारों के पास मोटरसाइकिल है, हाथ में चेन है, यहां इतनी मोटी चेन पहन रखी है और होठ जो है उस पर बाली पहन रखी है अलग से, जो अलग ही मतलब स्वैग लेवल गुंडे होते हैं ना, माथे पे रुमाल बांध रखा है काले कलर का, रुमाल पे बनी हुई है हड्डी, घोस्ट राइडर बने हुए पूरे बुलेट लेके, तुम्हें पता भाई आज तो चमड़े की बेल्टों से पड़ेगी, तो भैया भाग जाओ सबसे बढ़िया, और निकलो किसी पतली गली में जहां बाइक ना आ सके, ठीक है, वरना भाई बाइकर जो घुस घुस के मारते फिर। चलो ऑलराइट, अब देखते हैं कुछ बीमारियां। सबसे पहली बीमारी जो आजकल के दिन में, आजकल के दौर में सबसे कॉमन है, राइट, इसे कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब आपका ब्लड प्रेशर जो है ना सदा बाहर एकदम टॉप नॉच रहता है, 120-80 आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल बीपी, 120 को आप कहते हो यहां पर लिखा भी होगा सिस्टोलिक और पंपिंग, और 80 आप कहते हो डायस्टोलिक या रेस्टिंग प्रेशर, 120-80 नॉर्मल बीपी होता है। अगर आपका बीपी सदा बाहर 140 और 90 से ऊपर ही है या इससे ज्यादा है, इसका मतलब आपको हाइपरटेंशन है। इससे आपको हृदय रोग हो सकते हैं, आपका दिमाग भी खराब हो सकता है, ब्रेन रोग हो सकते हैं, किडनी रोग हो सकते हैं, लिवर वगैरह पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, यानी हाइपरटेंशन से दूर रहना चाहिए। दूसरी डिजीज है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, नाम में आर्टरी आ गया है तो यहां पर क्या होता है, आर्टरीज जो है इसके अंदर मसाला भर जाता है, माल मसाला भर जाता है, यानी इसे कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, वेसल जो कि ब्लड सप्लाई कर रही है हार्ट को, हार्ट मसल को, इसमें दिक्कत आ गई है। इसे ज्यादा ब्लड सप्लाई करना चाहिए था हार्ट को, लेकिन अब जो है ये वेसल पहले खुली थी तो ज्यादा ब्लड सप्लाई कर रही थी, अब इसमें कहीं कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है, कहीं कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है, फैट डिपॉजिट हो गया है,
तो क्या हो गया, इसकी नली का साइज हो गया कम, तो अब ब्लड कम जा रहा है हार्ट के पास, ब्लड कम जा रहा है फाइबर वाइबर जमा होने की वजह से, तो ल्यूमन नैरो हो चुका है, ब्लड कम पहुंचेगा, मसल्स हो जाएंगी हार्ट की वीक। एंजाइना, इसे प्यार से एंजाइना पेक्टोरिस भी कहा जाता है, जिसमें छाती में बहुत ज्यादा दर्द होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है, यह ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है, यानी हार्ट मसल पे अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो हार्ट की मसल ठीक से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगी, छाती में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मर्द और औरत दोनों में बीमारी हो सकती है, और एक एज के बाद ही ये बीमारी देखने को मिलती है, लगभग 30 से ऊपर के लोगों में, 30-35 के बाद ही। ऑलराइट, सो अभी तक तीन बीमारियां पड़ी, हाइपरटेंशन जिसमें बीपी आपका ज्यादा रहता है 140-90 से ज्यादा रहता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें आर्टरी जो है, कोरोनरी आर्टरी नाम में आर्टरी आ रहा है, आर्टरी जो है ब्लॉक हो जाती है, इसमें कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू, यू नो कैल्शियम, ये सारी चीजें, फैट्स वगैरह ये भर जाते हैं। एंजाइना यानी एंजाइना पेक्टोरिस, जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से होती है, जहां पर छाती में दर्द होता है। अब तीन चीजें बताऊंगा, तीनों बहुत गौर से सुनना, तीनों लगती हैं सेम है लेकिन तीनों अलग हैं। पहली चीज है हार्ट फेलियर। हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना, फेलियर मतलब फेल हो चुका है उस काम में, जब ये प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा ब्लड को, व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड प्रॉपरली, रुकता नहीं है यहां पे हार्ट, बस ज्यादा पंप नहीं कर पा रहा है, नॉट पंपिंग ब्लड प्रॉपरली। तो काम क्या था हार्ट का, ब्लड को पंप करना, और यही ये ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो इसे बोल दिया हार्ट तुम तो फेलियर हो। दूसरी चीज आती है आपकी कार्डियक अरेस्ट, अरेस्ट मतलब एकदम सीज हो चुका है हार्ट, तो इसमें जो है हार्ट बीट करना ही बंद कर देता है, तो कार्डियक अरेस्ट क्या है, अरेस्ट हो चुका है हार्ट, अब काम नहीं कर रहा, स्टॉप्स बीटिंग। एंड तीसरा है आपका हार्ट अटैक, जो हम सबसे कॉमनली यूज करते हैं, तो हमें लगता है हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, हार्ट डैमेज, सारी सेम चीज होती है। हार्ट अटैक मतलब जब हार्ट की मसल्स पे अटैक हो चुका है, किसका, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई थी, तो हार्ट की मसल हो गई डैमेज यानी अटैक्ड, हार्ट की मसल हो गई डैमेज। तो हार्ट फेलियर क्या है, हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना, उसमें वो फेल हो गया, यानी ब्लड पंप प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, कार्डियक अरेस्ट यानी बीट करना उसने बंद कर दिया है, और हार्ट अटैक का मतलब मसल्स पे अटैक हो चुका है, मसल हो गई है डैमेज, क्योंकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंची। बात समझ में आ गई तो चैप्टर भी खत्म हो गया। और इसके साथ मैं एक और बात करना चाहता हूं, दया की भीख मांगना चाहता हूं तुमसे, 100 डेज क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है यार, बहुत मेहनत करी गई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के कनेक्ट हो जाओ यार प्लीज। द प्राइसेस हैज ऑल्सो बीन ड्रॉप्ड, यूज द कोड birthday10 birthday10 20% है ना, birthday20 आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि तुम इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो यार, 10K फॉलोअर्स होने मेरे, 1000 बचे हुए सिर्फ, और मुझे स्वाइप अप नहीं मिल रहा है फ्रॉम लास्ट 4-5 मंथ्स। दया दृष्टि बरसाओ यार, अपने दोस्तों को बोलो कि मुझे वहां पर फॉलो कर लें, और मिलते हैं यार, मिलते हैं आप लोगों से, नोट्स में अपडेट कर दूंगा सारे के सारे एक साथ, डोंट वरी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चले दोस्त, आई होप एवरीथिंग इज फाइन, आई होप सब कुछ समझ में आया होगा, वार्तालाप कुछ करनी है तो कर लो यार, वार्तालाप करनी है तो कर सकते हैं अभी। ओके, शिवांशी गुप्ता, वाई हार्ट कॉल्ड मायोजेनिक, मायो का मतलब होता है मसल, जेनिक का मतलब होता है जनरेशन, यानी मसल जो है वो खुद अपने सिग्नल्स को जनरेट कर रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे नोड प्रेजेंट है। कई एनिमल्स में हार्ट होता है न्यूरोजेनिक, जहां पे दिमाग से सिग्नल आता है हार्ट को पंप करने के लिए। अब हम बार बार तो सिग्नल देते नहीं है, तो हमें न्यूरल सिग्नल नहीं आ रहा है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट न्यूरोजेनिक, वी आर मायोजेनिक, मसल खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, राइट।
कार्डियक साइकिल मतलब एक पूरा का पूरा जो 0.8 सेकंड का इवेंट है वो पूरी कार्डियक साइकिल है, और कार्डियक आउटपुट मतलब एक मिनट में एक वेंट्रिकल ने कितना ब्लड पंप किया, दैट इज अराउंड 5 लीटर्स। डेविल ऑफ हेल्थ की चंद सर आप चैनल के मालिक है, चैनल के मालिक क्या होता है यार, मतलब ये चैनल मैंने स्टार्ट किया था, ये मेरा ही चैनल है भाई, मालिक वालिक कुछ नहीं होता यार, सब लोग पढ़ाते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं, मालिक वालिक तो बहुत अलग चीज हो गई यार ये तो बहुत। हार्ट फेलियर हार्ट अटैक, फैजान हार्ट फेलियर मतलब हार्ट का काम क्या है, ब्लड पंप करना, जब वो ब्लड पंप ना कर पाए ड्यू टू एनी रीजन इट इज हार्ट फेलियर। हार्ट अटैक मतलब हार्ट की मसल स्पेसिफिकली डैमेज हुई है, वो भी ब्लड कम पहुंचने की वजह से, तो डैमेज हो चुका है यानी अटैक हो चुका है हार्ट की उसके ऊपर, लेयर्स के ऊपर, मसल्स के ऊपर। अत्रि भैया शुरू करेंगे यार इकोलॉजी, थोड़ा सा टाइम दे दो फिर करेंगे, मतलब एक बार मैं सोच रहा हूँ कि फिजियोलॉजी के 5 चैप्टर हो जाए फिर पैरेलली इकोलॉजी चला देंगे। कल आई थिंक ट्यूसडे है, वेनसडे को लव सर की क्लास नहीं होती तो वेनसडे को कर देते हैं, परसों से दिन में एक चैप्टर इकोलॉजी ले लेंगे, रात को बैठ करके फिजियोलॉजी पढ़ लेंगे। मधुप्रिया एक्सक्रीशन में 2 लेक्चर लेंगे, अब हर फिजियोलॉजी के चैप्टर में 2 लेक्चर्स लेंगे ही लेंगे जिससे आराम से समझ में आए। एसए नोड और एवी नोड सलोनी आर नोडल टिश्यूज, यानी जो सिग्नल ओरिजिनेट कर सकते हैं, सिग्नल को ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, विपिन सर ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं डाला क्रैश कोर्स में, शायद मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या करूंगा, मतलब अगर पूछ रहे हो आप किसी और सर ने क्यों नहीं डाला तो आई आस्क हिम। ओके, नितेश सर ने, मैं उनसे बात कर लूंगा, डोंट वरी, मैं बोल दूंगा यार। अत्रि भैया 2 शॉट में करा देंगे एक्सक्रीशन, डोंट वरी। राइट, स्निग्धा वो दिल के छेद के बारे में होता है बेसिकली, राइट, जो हम बोलते हैं ना कुछ कॉमन टर्म्स यूज करते हैं, दीज आर जस्ट द साइंटिफिक टर्म्स फॉर द वेरी सेम थिंग। एग्जाम कब हो सकता है यार, नोटिफिकेशन आने से पहले अत्रि भाई कुछ कह नहीं सकते हम, बाकी जब नोटिफिकेशन आएगी आई विल लेट यू नो, सबसे पहले ऑब्वियसली आपको ही पता लगेगा, हमें भी पता लगेगा, लेकिन यार लोचा है, बहुत लोचा है, अभी कुछ कह नहीं सकते भाई, जब से ये होने लगा है फ्रॉम लास्ट 2-3 ईयर्स तब से यार कुछ सर्टेनिटी रही नहीं है। ओके, शायद मेरी इंस्टाग्राम आईडी है विपिन शर्मा बायोलॉजी, यू कैन फॉलो मी अप ओवर देयर। ओके, अम्मार उस्मानी इस बार का जो कोर्स है यार वो 1 साल का है, यानी आपको वो कोर्स दोबारा लेना पड़ेगा, सो आई विल रेकमेंड यू टू टेक 100 डेज क्रैश कोर्स, आप उसे पढ़ सकते हो, उससे 11th का सिलेबस आप कर सकते हो, या फिर आप जो कंप्लीट ड्रॉपर बैच चल रहा है उससे भी 11th पढ़ सकते हो, एंड यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन अगेन क्योंकि वो काफी सस्ता है, राइट। ओके, अत्रि सर मैं बहन हूँ, अरे अपोलॉजीज, एक्चुअली मेरा एक दोस्त है जिसका नाम सौरभ अत्रि है, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू क्लैरिफाई दैट अप। ऐश्वर्या सुनो, सुनाइए प्लीज। चलो यार कोई और इंपॉर्टेंट बात है तो बताओ झटपट। पीपल्स ड्रीम हैव नो एंड, ऑब्वियसली यार सही बात। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज में आर्टरी ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ वेरियस थिंग्स, राइट। ऑल राइट, चलो यार मिलते हैं फिर आपसे, मिलते हैं कल की वीडियो में, कल कोशिश करेंगे दिन में भी एक वीडियो बने। ऑल राइट, श्योर ऐश्वर्या श्योर, चलो यार चलते हैं फिर, कल मिलते हैं आप सबसे, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड जस्ट चेक आउट द डिस्क्रिप्शन फर्स्ट, वहां पर आपको 100 डेज क्रैश कोर्स की जानकारी मिलेगी, उसे ज्वाइन कर लीजिए। शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, आई विल ट्रूली बी कैचिंग यू अप टुमारो इन